क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखी है? महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास ने तो महाभारत सुनाई थी, लिखने वाले हाथ तो गणपति जी के थे। सो महर्षि व्यास ने गणपति जी से रिक्वेस्ट की महाभारत लिखने के लिए और गणपति जी मान गए, लेकिन एक शर्त पे। उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि आपको बोलते रहना पड़ेगा और मैं लिखते रहूंगा, मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। सो उसके सामने महर्षि व्यास ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि गणपति जी आपको हर श्लोक समझ कर ही लिखना पड़ेगा। सो महर्षि व्यास गणपति जी को कुछ पजल्स और रिडल्स दे देते थे सॉल्व करने के लिए, ताकि गणपति जी उनमें उलझे रहे और उस दौरान महर्षि व्यास अच्छे से याद कर सके कि आगे कौन सा श्लोक है और आगे क्या बोलना है। अभी ये जो पजल्स एंड रिडल्स है ना, इनको कुटश्लोक बुलाया जाता है और ये भी महाभारत में है। एंड आई लर्न्ड अबाउट दिस फ्रॉम हिज ग्रेस गौर गोपाल दास। हियर आर थ्री कुटश्लोकस। ऐसी कौन सी पीने की चीज है जो किसी ने जूठी की हुई है लेकिन फिर भी हम भगवान को चढ़ाते हैं? आंसर, गाय का दूध। गाय का बच्चा मुंह लगा के ही दूध पीता है ना, ग्लास में थोड़ी पिएगा। ऐसा कौन सा कपड़ा है जो डेड बॉडीज का कपड़ा है लेकिन फिर भी रिलीजियस है? सिल्क, क्योंकि टेक्निकली सिल्क वर्म सिल्क को देके ही मरता है ना। ऐसी कौन सी खाने की चीज है जो किसी की वॉमिट है लेकिन फिर भी रिलीजियस है? हनी। कहा जाता है कि हनी इज द वॉमिट ऑफ हनी बीज। कुटश्लोकस। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया और शेयर करो इसको।